टेंचुरा के एनिमे के अंदर अभी अभी रिमुरु की डंजन बनना शुरू हो चुकी है, लेकिन आखिर में ये वाले डंजन वर्क कैसे करने वाली है और इसके अलग अलग फ्लोर के ऊपर जो बॉसेस रहेंगे वो कौन होने वाले हैं? तो देखो, रिमुरु की डंजन बनाने के पीछे पूरा पूरा हाथ अपने रेमरिस का है। तो डीमन लॉर्ड रेमरिस दिखने को तो काफी ज्यादा छोटी और सबसे ज्यादा वीक डीमन लॉर्ड लगती है, लेकिन रेमरिस जो है वो वन ऑफ दी ओल्ड डीमन लॉर्ड्स में से एक है। और इतना ही नहीं, जितने सारे टेंचुरा के यूनिवर्स के अंदर मोस्ट पावरफुल बीइंग है उनमें से एक अपनी रेमरिस भी है। रेमरिस जो है उसको गॉड ऑफ क्रिएशन वेल्डनावा ने नाम दिया था और उसी की वजह से रेमरिस को एक स्किल मिली थी जिसका नाम था लैबरंथ क्रिएशन। और इस स्किल का यूज करके वो एक लैबरंथ या हम बोल सकते डंजन बना सकती है। और उसकी ये स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि भाई वो किसी भी यूनिवर्स के लॉ को चेंज या कंट्रोल कर सकती है। एक तरीके से रेमरिस यहाँ पर भाई गॉड ऑफ क्रिएशन ही है। तो रिमुरु के कहने के बाद में रेमरिस अपने पावर्स का यूज करके उसके लिए 100 फ्लोर का एक डंजन बना के देती है। और ये जो डंजन है वो अलग अलग ब्लॉक से बनाई जाती है, इसलिए जब चाहे तब इस वाले डंजन का लेआउट चेंज करा जा सकता है। और इतना ही नहीं, इस वाले डंजन के अंदर रेमरिस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है। लाइक किसी फ्लोर के ऊपर बारिश हो रही है और किसी फ्लोर के ऊपर आसमान दिख रहा है। और इस वाले डंजन के सबसे लास्ट मतलब 100 फ्लोर के ऊपर अपना वेल्डोरा रहता है। और वेल्डोरा जब भी अपनी ऑरा को रिलीज करता है तो उसके ऑरा के अंदर जो मैजिकल्स रहते हैं उनकी वजह से पूरे के पूरे डंजन के फ्लोर्स के ऊपर मॉन्स्टर स्पॉन होना शुरू हो जाता है। लाइक यहाँ पर डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को स्पॉन करने का मेन रोल अपने वेल्डोरा का रहता है। लेकिन आखिर में रिमुरु ने ये डंजन बनाने का डिसीजन क्यों लिया? तो देखो, रिमुरु एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए एक सेफ प्लेस बनाना चाहता था जहाँ पर आके लोग एडवेंचर कर सके और डंजन के अंदर एडवेंचर करने के बाद में उन लोग को कुछ प्रॉफिट भी हो। लाइक अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग आके डंजन को पूरा करना चाहेंगे और उसे लिए वो अपने रिमुरु के मॉन्स्टर कंट्री टेम्पेस्ट के अंदर रहेंगे, जहाँ पर उन लोग का खाना पीना यहाँ पर एक टाइप से अपने टेम्पेस्ट के अंदर अलग अलग जगह से टूरिस्ट घूमने आएंगे। उसकी वजह से अपने मॉन्स्टर कंट्री का नाम बहुत सारे लोगों को पता चलेगा और उसकी वजह से टेम्पेस्ट के अंदर काफी ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ हो जाएगी और रिमुरु को इससे भी फायदा होगा। और साथ ही साथ जब भी कोई कंट्री टेम्पेस्ट के ऊपर अटैक करेगी तो यहाँ पर रिमुरु अपने पूरी की पूरी कंट्री को डंजन के अंदर ही टेलीपोर्ट कर देगा। यहाँ पर एक टाइप से डंजन की वजह से रिमुरु की कंट्री सेव भी हो रही है और उसको डंजन की वजह से तगड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है। लाइक अगर आपको डंजन के अंदर एंट्री चाहिए तो आपको 3 सिल्वर पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और वही पर ही डंजन के एंट्रेंस पर रेमरिस के बनाए हुए कुछ आइटम सेल करे जाते हैं जो कि आपको डंजन पूरा करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है, जिनमें से एक है रेजरेक्शन ब्रेसलेट। अगर डंजन के अंदर कोई बंदा इस वाले ब्रेसलेट को पहन के मारा जाता है तो भाई वो अपने आप रिवाइव होकर सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगा, जहाँ पर सरफेस के ऊपर पहुंचने के बाद में उसके सारे के सारे जख्म जो है वो भर जाएंगे। लेकिन डंजन के अंदर उसने जो भी लूट करी होंगी वो लूट उसके पास में वापस नहीं जाती है। ये जो ब्रेसलेट है वो पहली बार के यूज के लिए फ्री टू यूज दिया गया था, बाद में जाके इसकी प्राइस जो है वो 2 सिल्वर कॉइन रखी गई थी। दूसरा आइटम है रिटर्न विसल। ये जो आइटम है वो बस एक ही बार यूज करा जा सकता है। अगर कोई बंदा रिटर्न विसल को यूज करता है तो उसको तुरंत ही डंजन के बाहर टेलीपोर्ट करा जाएगा, जहाँ पर उसने डंजन के अंदर जो भी लूट करी है वो उसके पास रहेगी। लेकिन ये जो आइटम है वो बस इमरजेंसी यूजेस के लिए है, इसलिए फुल पार्टी के अंदर बस एक ही बंदा इस वाले आइटम को यूज कर सकता है। और यहाँ पर रिटर्न विसल की प्राइस लगभग 30 सिल्वर कॉइन रखी गई है। और रेमरिस का बनाया हुआ लास्ट आइटम है रिकॉर्डिंग क्रिस्टल। अगर कोई बंदा डंजन के अंदर रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को यूज करता है तो एक टाइप से वो डंजन के अंदर एक सेव पॉइंट लगा सकता है, जहाँ पर वो अगली बार जाके अपना एडवेंचर उसी पॉइंट से शुरू कर सकता है, जहाँ पर रिकॉर्डिंग क्रिस्टल की प्राइस लगभग 1 गोल्ड कॉइन रखी गई है। तो चलो अभी जान लेते हैं डंजन के लेआउट और उसके बॉसेस के बारे में। वैसे तो डंजन बस 100 फ्लोर का है, लेकिन 100 फ्लोर के नीचे भी हमको अलग अलग लैब्स देखने को मिलती है, जहाँ पर सबसे पहले है वेल्डोरा के प्राइवेट रूम, जहाँ पर वेल्डोरा अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर जाके मस्त से मांगा रीड कर सके। और उसके नीचे है रिमुरु की प्राइवेट लैब जिसके अंदर वो 1000 बोन गोलम्स की बॉडी को बनाता है, क्योंकि डियाब्लो ने रिमुरु से बोला था कि उसको भी उसके अंडर कोई वर्क करने वाला होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर रिमुरु डिमोन्स को पोजेस करने के लिए 1000 गोलम्स की बॉडीज बनाता है। और रिमुरु के लैब के नीचे रहती है रेमरिस की लैब, जहाँ पर वो अपनी खुद की कुछ रिसर्च कर रही होती है। और फाइनली डंजन का 101वां फ्लोर जिसके अंदर इमरजेंसी के टाइम पे पूरी की पूरी सिटी को टेलीपोर्ट करा जा सकता है। तो चलो अभी जान लेते हैं डंजन के अलग अलग फ्लोर और उसके बॉसेस के बारे में। तो देखो, डंजन के हर 10 फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर गार्डियन रहता है जिसको कि हम बॉस बोलते हैं। और वहीं पर ही बॉस रूम के आसपास हमको एक रेस्टिंग एरिया दिया जाता है, जहाँ पर एडवेंचरस जो है वो बॉस से फाइट करने के पहले थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। तो चलो अभी बात करते हैं अलग अलग फ्लोर के बारे में। तो देखा जाए तो सबसे पहला वाला जो फ्लोर है वो इतना कुछ खास नहीं है, वहाँ पर बस हमको डंजन का एंट्रेंस और ट्रेनिंग ग्राउंड देखने को मिल जाता है।
आगे चलकर 2 से 4 लेवल के ऊपर कोई भी ईस्टर्न डेथ देने वाले ट्रैप्स नहीं रहते हैं, वहाँ पर बस सबसे ज्यादा लोएस्ट एफ रैंक के मॉन्स्टर्स रहते हैं। बाद में 5वें फ्लोर के ऊपर डी रैंक के मॉन्स्टर रहते हैं और वहाँ पर हमको ठीक ठाक लूट भी मिल जाती है। तो ऐसे ही बीच वाले फ्लोर के अंदर अलग अलग ट्रैप और अलग अलग लूट के चेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है सारे के सारे बॉसेस के फ्लोर। तो यहाँ पर अपना सबसे पहला वाला बॉस आता है 10th फ्लोर के ऊपर, जो कि रहता है बी रैंक का मॉन्स्टर ब्लैक स्पाइडर। तो जो भी पहली 5 पार्टीज रहेंगी जो कि दिए हुए टाइम के अंदर इस वाले बॉस को हरा देती है, तो उनको 3 गोल्ड कॉइंस दिए जाएंगे। और उसके बाद में हमारे 20वें फ्लोर का बॉस है बी प्लस रैंक मॉन्स्टर, जो कि रहता है अपना इवन सेंटीपीड। स्टार्टिंग के फ्लोर के कुछ बॉसेस है जिनको कि रिमोर ने सीजन 1 के अंदर हराया था। यहाँ पर इविल सेंटीपीड को जो 5 पार्टी सबसे पहले हराएगी उनको 5 गोल्ड कॉइंस दिए जाएंगे। और उसके बाद में 3rd फ्लोर के ऊपर फिर से एक बी प्लस रैंक मॉन्स्टर ओगरलॉर्ड और उसके 5 चेहरे देखने को मिलते हैं, और उनको हराने के बाद में पहली 5 पार्टीज को 10 गोल्ड कॉइंस मिलेंगे। और वहीं से ही ट्रेजर चेस्ट के अंदर हमको रेयर आइटम्स मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और उसके आगे 14th फ्लोर के ऊपर हमको A- रैंक का मॉन्स्टर टेम्पेस्ट सरपंट देखने को मिलता है। इसको जो भी सबसे पहले 5 पार्टीज हराएंगी उनको 20 गोल्ड कॉइंस दिए जाएंगे। और साथ साथ इस वाले बॉस को हराने के बाद में आपको रेयर वेपन्स भी मिल सकते हैं। उसके बाद में 41 से लेके 49 फ्लोर तक सीरियस ट्रैप्स रहते हैं, जहाँ पर अगर आपने गलती से उन वाले ट्रैप्स को टच कर लिया तो वहाँ पर आपकी इंस्टेंट डेथ हो सकती है। उसके बाद में 49 फ्लोर के ऊपर सबसे प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स रहती है अपनी स्लाइम्स, जहाँ पर हमको सब जगह के ऊपर बस स्लाइम्स ही स्लाइम्स देखने को मिलती है। लाइक सीलिंग से भी स्लाइम्स नीचे गिर रही है जो कि तुम्हारे आर्मर को पूरा डैमेज कर सकती है। और बीच में ऐसे कुछ कुछ फ्लोर्स भी रहते हैं जो कि पूरे स्लाइम से बने रहते हैं, और इन स्लाइम्स के ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक वर्क नहीं करता। यहाँ पर इनको हराने के लिए आपको हाई लेवल के मैजिक का यूज करना पड़ेगा। और इमुरु ने इस वाले फ्लोर के ऊपर कुछ बड़ी बड़ी स्लाइम्स के गोलम को भी डाल के रखा है। आगे चलकर 15 फ्लोर के ऊपर हमको 2 अलग अलग बॉसेस देखने को मिलते हैं, जो कि एक टाइप से अलग अलग शिफ्ट के अंदर काम करते हैं। इन दोनों को राफेल ने एक यूनिक एबिलिटी दी है जिसका नाम है लिमिटर, और इस वाले स्किल का यूज करने के बाद में ये दोनों अपने ओपोनेंट की जो एबिलिटी रहती है उनको कम कर सकती है। लेकिन इन दोनों की जो स्किल है वो बस उनसे कम लेवल के बंदों के ऊपर ही काम करती है। और इन दोनों बॉस को जो भी सबसे पहले हराएगा उसको 100 गोल्ड कॉइंस दिए जाएंगे। और इनको हराने के बाद में जो चेस्ट मिलती है उसके अंदर अलग अलग आर्मर के पार्ट या अलग अलग वेपन्स के पार्ट्स मिलते हैं। और आगे चलकर 51 से लेके 16 फ्लोर तक हमको अलग अलग साइंटिफिक वाले ट्रैप्स मिलते हैं, जिसके अंदर लेजर बीम, सोनिक कैनन और पॉइजनस गैस जैसे ट्रैप रहते हैं। और आगे चलकर 16 फ्लोर के ऊपर हमको डीमन कोलोसस नाम का बॉस देखने को मिलता है। ये जो कोलोसस रहता है वो मैजिक स्टील से बना रहता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए एक बंदा इसके अंदर होना चाहिए। लाइक इस कोलोसस को चलाने के लिए एक पायलट की जरूरत पड़ती है, जो कि आगे चलकर गैदरा बनता है, जिसकी वजह से ये फिजिकली तो ऑलरेडी स्ट्रांग था और उसके साथ ये मैजिक भी यूज कर पाता है। और आगे चलकर 61 से लेके 17 फ्लोर के ऊपर हमको सारे के सारे अनडेड लोग देखने को मिलते हैं, जो कि एडलमैन ने समन करे हुए होते हैं। हाँ, वही एडलमैन जो कि क्लेमैन के 5 फिंगर्स में से एक था। और उसके बाद ही 17 फ्लोर के ऊपर हमको एडलमैन और उसके सर्वेंट एल्बर्ट और वेंडी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एडलमैन पहले वेस्टर्न होली चर्च का कार्डिनल हुआ करता था, जिसके अंदर एडलमैन के पास में नेक्रोमोनिकॉन नाम की एबिलिटी रहती है। और इस वाले एबिलिटी की वजह से किसी भी टाइप का होली मैजिक अपने एडलमैन के ऊपर वर्क नहीं करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि एडलमैन जो है वो एक अंडेड बंदा है, और अंडेड और ज़ॉम्बीज के ऊपर होली मैजिक सबसे ज्यादा वर्क करता है। लेकिन एडलमैन की इस यूनिक एबिलिटी की वजह से उसके ऊपर कोई भी होली मैजिक वर्क नहीं करता है, और जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी होली मैजिक को उसको फिर से यूज कर पाता है। यहाँ पर अगर हम किसी बंदे की कमजोरी को हटा दे तो उसको रोकना पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद में आता है एल्बर्ट, जिसको कि मास्टर स्वॉर्ड्समैन और मैजिक बॉडी जैसी एबिलिटी मिली है। यहाँ पर एल्बर्ट की जो स्वॉर्ड्समैनशिप है वो एक टाइप से हाकरू को भी टक्कर देती है, और इसकी जो मैजिक बॉडी वाली एबिलिटी है उसकी वजह से एल्बर्ट के ऊपर कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं पड़ता है। और एडलमैन के पार्टी के अंदर वेंटी जो है वो पुराना वाला ज़ॉम्बी ड्रैगन है, जो कि आगे चलकर इवॉल्व होकर एक लड़की के फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। आगे चलकर हमको 71 से लेके 18 फ्लोर तक जायंट इंसेक्ट वाले ट्रैप देखने को मिलते हैं, और इन सारे इंसेक्ट को कमांड दे रही होती है एपिटो, जो कि 79 फ्लोर की बॉस रहती है। एपिटो जो रहती है वो स्टार्टिंग में बस एक जायंट बी रहती है, जिसको कि हमने जीजन के साथ देखा था। एपिटो और जीजन स्टार्टिंग में तो बस जायंट बी और जायंट बीटल रहते हैं, लेकिन बाद में जब रिमोरो इनको नाम देता है तब ये दोनों आगे चलकर अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो पाता है। लेकिन अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होने से पहले इन लोग को काफी ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। जब रिमोरो की डंजन बन जाती है उसी के बीच में इन लोग की ट्रेनिंग भी हो रही होती है, जहाँ पर एपिटो को
हिनाटा ट्रेन करती है और वहाँ पर अपने जीजन को वेल्डोरा ट्रेन करता है। और बाद में जब हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पे इन लोग को काफी ज्यादा सोल दी जाती है तो ये लोग भी भाई डीमन लॉर्ड के अंदर इवॉल्व हो जाते हैं। वैसे तो एपिटो के पास में ऐसी बहुत सारी स्किल्स है लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वही उसको बाकी अदर लोगों से काफी ज्यादा खास बनाती है। और इसके पास में भी एक अल्टीमेट स्किल रहती है इसलिए इससे ज्यादा लोअर लेवल्स के लोगों के अटैक इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। और उसके बाद में आता है 18th लेवल का बॉस जीजन। जीजन के बारे में जितना बोले उतना कमी है। स्टार्टिंग में तो जीजन बस जख्मी हुआ एक बीटल ही था लेकिन बाद में रिमुरु से नाम मिलने के बाद में और वेल्डोरा के साथ में ट्रेनिंग करने के बाद में जीजन काफी ज्यादा बढ़िया बंदा बन गया। जीजन पहले भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था जिसने की एम्पायर के आधे सोल्जर्स को खत्म कर दिया था लेकिन बाद में जब हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पे रिमुरु ने उसको सोल दी उसके बाद में अपना जीजन जो है वो डीमन लॉर्ड के अंदर इवॉल्व हो गया। उसके बाद में आगे क्या ही बोले जहाँ पर जीजन वेल्डोरा को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा सकता था और जो डियाब्लो ने 3 प्राइमोडियल्स को इनवाइट करा था उनको जीजन इजीली हरा सकता है। और खुद डियाब्लो भी जीजन के सामने जीतने के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी कर सकता है। जहाँ पर जीजन को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनते हुए देख के वहाँ पर सीएल भी उसको कॉम्प्लीमेंट देती है। वो बोलती है कि जीजन जो है वो मेरा आज तक का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट क्रिएशन है क्योंकि पहले तो जीजन की बॉडी पूरी की पूरी मैजिस्टील से बनी है और जीजन के बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत अपने रिमुरु की सेल्स भी है इसलिए उसने वॉल्यूम 21 के अंदर अपने खुद के बाप को हरा दिया था। आगे चलकर 81 से लेके 19 फ्लोर तक हमको हर जगह पे बस मैजिकल विश दिखते हैं। जहाँ पर 82 से लेके 89 फ्लोर तक हमको अलग अलग 8 लीजन के बॉसेस देखने को मिलते हैं। 8 लीजन जो है वो अपने कुमारा के 8 टेल से बने हुए मैजिकल बीस्ट है। कुमारा जो है उसको स्टार्टिंग में क्लेमन ने बंदी बना के रखा था लेकिन बाद में जब रिमुरु क्लेमन को हरा देता है तो उसके बाद में कुमारा जो है वो रिमुरु को ज्वाइन कर लेती है और आगे चलकर रिमुरु उसके हर एक 9 टेल के बीस्ट को नाम देता है। लाइक यहाँ पर देखा जाए तो कुमारा को टोटल 9 नेम्स मिले हैं और उसकी वजह से उसकी मैजिकल बीस्ट तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है ही लेकिन वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाती है। उसके पास में वैसे तो बहुत सारी स्किल्स है लेकिन उसको अभी तक कोई चैलेंज देने के लिए 19 फ्लोर तक पहुंचा ही नहीं है। उसके बाद में 91 से लेके 94 फ्लोर तक अलग अलग फैसिलिटीज रखी गई है जिसके अंदर मैजिस्टील प्रोडक्शन फैसिलिटी और साथ ही हनी और पोशन प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी है। और 95 फ्लोर के ऊपर एक टाइप से एल्फ्स के लिए घर बनाया गया है और जैसे कि डॉर्गन के अंदर एक एल्फ्स का बार है वैसे ही वहाँ पर रिमुरु ने अपना एक बार खोल के रखा है और वहीं पर ही वहाँ पर एक रिसर्च फैसिलिटी और अलग अलग शॉप्स रखी गई है। और आगे चलकर हमको 96 से लेके 99 फ्लोर तक अलग अलग ड्रैगन लॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये जो सारे के सारे ड्रैगन लॉर्ड्स रहते हैं उनको की मिलिम ने बंदी बना के लेके आया रहता है। एक तरीके से मिलिम उनको पकड़ के लाती है और सीधा डंजन के अंदर बंद कर देती है जहाँ पर ये चारों के चारों अलग अलग टाइप के ड्रैगन रहते हैं जिसके अंदर ग्राउंड टाइप का ड्रैगन विंड और आइस टाइप का ड्रैगन और लास्ट में जाके अपना फायर ड्रैगन रहता है। यहाँ पर अर्थ ड्रैगन जो रहता है वो कंटिन्यूसली अर्थक्वेक और ग्रेविटी वाले अटैक्स करता रहता है और विंड ड्रैगन जो रहता है वो कंटिन्यूसली थंडरस्टॉर्म और लाइटिंग वाले अटैक करता रहता है। और आइस ड्रैगन का तो पूरा का पूरा फ्लोर ही आइस का रहता है जहाँ पर नॉर्मल बंदा बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर आप जिस जैसे करके आइस ड्रैगन से बच जाते हो तो आगे चलकर हमको सीधा फायर ड्रैगन से भिड़ना पड़ता है जहाँ पर उसका पूरा का पूरा फ्लोर ही लावा का बना हुआ रहता है। और सबसे लास्ट में आता है अपना 100 फ्लोर जिसके ऊपर अपना वेल्डोरा रहता है और इस वाले फ्लोर के ऊपर अभी तक कोई भी नहीं आ पाया। बस यहाँ पर वेल्डोरा की सिस्टर आई थी और अपनी हिनाटा आई थी। हिनाटा को तो वेल्डोरा ने इजिली हरा दिया था और टिनशुरा के अंदर ऐसे बहुत ही कम लोग है जो कि वेल्डोरा को हरा पाएंगे और ऐसा बहुत ही रेयरली होगा कि कोई बंदा वेल्डोरा तक पहुंच भी पाएगा क्योंकि वेल्डोरा के ऊपर ही ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स है जिनको की पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। माना कि इस वाले वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे बॉसेस की एबिलिटीज को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा है क्योंकि अगर मैं सारी की सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करने जाता तो ये वाला वीडियो आधे घंटे से भी ज्यादा बड़ा हो जाता। तो अगर आपको सारे के सारे फ्लोर गार्डियंस का डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो होपफुली गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो जाते जाते इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी जाना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सायोनारा।